शिमला में मंगलवार को आयोजित पीएम मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो है वो हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में जो है वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि समाज अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने जो है वो शिरकत की। तो इस अवसर पर विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी जो है वो मौजूद रहे। कार्यक्रम का बड़ी स्क्रीन के माध्यम से जो है वो लाइव प्रसारण देखा गया और पीएम मोदी ने संबोधन को भी जो है पीएम मोदी के संबोधन को भी इसमें सुना गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, साथ ही साथ प्रदेश कौशल विकास निगम समन्वयक नवीन शर्मा के अलावा काफी संख्या में लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सामाजिक आधिकारिकता मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि लोगों ने बड़े चाव से लाइव प्रसारण देखा है और पीएम मोदी के भाषण को सुना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल का जश्न शिमला में मनाया गया है, जो कि खुशी की बात है। वहीं विपक्ष के बयानों पर कहा कि विपक्ष का काम ही बयानबाजी करना है, लेकिन सरकार शासक के रूप में नहीं सेवक के रूप में काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल में आकर पीएम मोदी ने अपनी खुशी व्यक्त की है और पूरे प्रदेश को सौगातें भी दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही कहना है और इतनी सारी सौगातें पीएम हिमाचल के लिए देकर गए हैं, लेकिन विपक्ष केवल बयानबाजी करने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने सरकार के 8 साल पूर्ण होने के ऊपर शिमला हिमाचल प्रदेश को चुना। हिमाचल की देवभूमि में आके उन्हें पूरे देश से अलग अलग जगह पे लोगों से बात भी किया। उनके सरकार के द्वारा जो बेनिफिशरीज हैं उनके द्वारा ली हुई बेनिफिट्स को भी सुना, क्या सुविधाएं लोगों को मिली, उनके साथ आदान प्रदान भी हुआ और पूरे देश की बात की है। जिस तरीके से जो जीवन यापन पहले होता था और आज के आधुनिक युग में डिजिटल युग में नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो किया है उसका ब्यौरा प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से शिमला से दिया और हमीरपुर में भी इतने लोग इकट्ठे हुए, हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट में लोग इकट्ठे हुए, इसलिए ज़्यादा लोग अपने अपने जगह से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से सीधे तौर पर विजुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ सके। इसी तरह से आज हमीरपुर में हमारे माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी पूर्व में मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे, वो भी आज हमारा सौभाग्य है वो भी यहाँ पर पहुँचे और ये कार्यक्रम सफल हुआ। अच्छा बढ़िया कार्यक्रम हमें सुनने को मिला। चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए शिमला हिमाचल प्रदेश को चुना और आज लोगों को स्पष्ट हो गया कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है वो आम आदमी तक कैसे पहुँचता है, सामान्य नागरिकों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने अपने मुँह से कहा इस योजना का लाभ हमें मिला, इसका लाभ हमें मिला, इससे बहुत लोगों तक भी आवाज गई। सारे देश में पूरी कैबिनेट के मंत्रियों को सारे देश में अलग अलग स्थानों पर भेजा गया था, सभी जगह को संबोधित करके और सारे पॉइंट्स लेकर प्रधानमंत्री ने आज आपने देखा होगा पहली बार इतने सहज खुश नज़र आ रहे थे। तो हिमाचल की वादियों से भी खुश थे, हिमाचल के लोगों से भी खुश थे, हिमाचल की सरकार से भी खुश थे, तो खुशी आज व्यक्त की है और एक नेचुरल बूस्ट मिलेगा इसके माध्यम से। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, इतनी योजनाएं गिनाई, ये हिमाचल के लिए विशेष तोहफा ही है। और जिसका जिक्र जयराम जी ने किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस, उसके माध्यम से 42,000 करोड़ रुपए का लाभ एक वर्ष में होता है हिमाचल प्रदेश को, तो इससे बड़ी गिफ्ट और क्या हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी ने तो दो सौ करोड़ चार सौ करोड़ ऐसे अमाउंट की घोषणा की कि जो सरकार ने डायरेक्ट दिया है, तो हर संभव सहायता केंद्र से मिली है और उसका सदुपयोग से प्रदेश कर रहा है।